हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इज जायका। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन खीमा रोल्स। तो चलिए बता देती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें लगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं चिकन खीमा ली हूँ, 250 ग्राम ली हूँ। इस तरीक़े से बना ली हूँ मैं, और चाहे तो आप ही घर पे बना सकते हैं, नहीं तो चिकन शॉप में बोलेंगे तो वो लोग इस तरीक़े से बना के दे देंगे। तो ये हुआ 250 ग्राम चिकन खीमा। उसके बाद उसमें लगेंगे एक प्याज है, आधा नींबू है, थोड़ी सी हरी धनिया है, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसमें है मिर्च पाउडर है, जितना आप तीखा खाना चाहो तो उतना मिर्च पाउडर ले सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच गर्म मसाला, और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर है। तो चलिए और बता देती हूँ मैं। यहाँ पर ली मैं मैदे का आटा है, 300 ग्राम मैदे का आटा है, 2 चम्मच दही है, 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल है, उसके बाद नमक थोड़ा सा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद में खीमा बना लेंगे। तो सबसे पहले ये नमक है, इसमें मिक्स कर लेती हूँ मैं, और दही, उसके बाद ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहला ये गूंद के रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो पहला इसको गूंद के रखना है, उसके बाद में खीमा बनाना है। आटे को पहले से ही छन्नी मार के रख चुकी थी मैं, आप भी छन्नी ज़रूर मारना आटे को। तो चलिए इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गूंथ चुकी हूँ, अब जितना चाहे इसको अच्छे से मसलेंगे तो ये बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट आटा बनेगा। तो अब इसको मैं रख देती हूँ साइड में अच्छे से ढककर। ये देखिए इस तरीका से, चाहे तो आप एक कोई काटन का कपड़ा भी इसके ऊपर ढक सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी ये बॉक्स रखी हूँ। तो चलिए खीमा बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अंदर में कढ़ाई गर्म करके रख चुकी हूँ। तो अभी इसमें हम लोग 3 चम्मच वेजिटेबल मिक्स करेंगे। तो 3 चम्मच डालियो में, तो तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें मैं प्याज को ऐड करूँगी। अच्छा सा ब्राउन कलर आने देंगे प्याज को। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन कलर हो रही है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देती हूँ अभी। इसको अच्छे से भून लेंगे। तो अब इसमें ऐड करती हूँ मैं खीमा। और इसमें भी नमक मिक्स कर लेती हूँ। तो इसमें हल्दी नहीं बताई थी आपको मैं, तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, मिर्च पाउडर सब।
और इसमें अभी थोड़ी देर के बाद में इसमें पानी बहुत सारा छूट जाएगा, इसके लिए पानी के लिए कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। चलिए छोड़ देते हैं धीमी आंच पर इसको, थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। हल्का सा पानी है इसके अंदर, तो ये पूरा अच्छे से पानी सूखने तक इसको पकाना है। और इसमें हरी धनिया भी ऐड कर देती हूँ। नींबू का रस हम लोग लास्ट में डालेंगे, चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं या उसकी जगह दही भी यूज कर सकते हो, टमाटर नहीं डालना है। चलिए इसको ये देखिए ऐसा बीच बीच में थोड़ा सा पानी है, तो इसको अच्छे से सूखने देते हैं अभी, तो छोड़ देते हैं और 5 मिनट के धीमी आंच पर। तो सारा पानी सूख चुका है, तभी जो आधा नींबू है ना वो डाल देती हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि नींबू का जो रस है ना वो भी सूखने के लिए, या फास्ट कर लेंगे यार तुरंत सूख जाएगा। तो चलिए अभी गैस हम लोग बंद कर लेंगे, यानी कि सारा पानी सूख चुका है, तो इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने तक फिर जब तक हम लोग रोटी बेल लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसमें, मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ली हूँ इसके अंदर लगाने के लिए, और एक अंडा भी चाहिए और थोड़ा सा आटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, इसको मैं दो हिस्सा कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर इसको अच्छे से बेल लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जितनी बड़ी हो सकी उतने बेल लीजिए, और इसको भी अच्छे से तेल लगा लूँगी मैं। इस तेल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, बटर को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, मेल्ट करके उसके बाद में इसको लगा लीजिए और टेस्टी होएंगे। अच्छे से तेल से इसको पूरा कवर करना है, पहले भी इस तरीके से मैं बता चुकी हूँ आपको चिरोटी में, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अलग है। तो थोड़ा सा आटा आटा को भी थोड़ा सेक कर लेंगे। तो चलिए बता देती हूँ कैसे करना। ये देखिए और हो गए, इसको वापिस से अभी हम लोग और बेलना है इसको। ऐसे इसको और बड़ा करना है, तो इसको और एक स्टेप करना है, तो वापस से इसको ऑयल लगा लेंगे। और थोड़ा सा तो इसको भी बेलेंगे। ये हो गया लास्ट स्टेप था।
तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना ली हूँ मैं। अभी इसमें दो कटिंग कर लेती हूँ। अभी इसमें काफ़ी पतला बेलना है इसको, तो बहुत बड़ी रोटी हो जाएगी इसके लिए। मैं आधा साइड में रख देती हूँ और इसको आप देखो अभी अच्छे से हम लोग बड़ी रोटी बना लेंगे। तो इस तरीके से रोटी बना ली हूँ मैं। अभी स्क्वायर चाहिए तो इस तरीके से आप माप ले सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए फिर यही हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग डालेंगे ऐसा करेंगे, फिर इसको ऐसा, फिर उसे रोल कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो अंडे का है ना, जो अंडे को अच्छे से मिक्स कर ली थी मैं एक को, अभी इसको ऐसा, ये देखिए हो चुका है। तो बाकी भी इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो और एक दूसरा स्टेप है, पहला मैं आपको इस तरीके से कटिंग करना बताई थी, और एक स्टेप है। तो इसको पहला ऐसा कटिंग कर लीजिए और स्क्वायर स्क्वायर में कटिंग कर लीजिए। ये देखिए स्क्वायर है, इसी तरीके से इसको रोटी स्क्वायर ही बनाना है, फिर बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर पलटी कर लेंगे, अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है देखिए। तो वो साइड भी इसको ऐसे ही ऐसे ही कलर आने देंगे जब तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं मैं। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ चुका है, ये देखिए कितना अच्छा बन गया है ना, डिलीशियस लग रहा है ना।